अगर भाई आप लोग भी मीशो से ऑर्डर करते हो, शॉपिंग करते हो, अगर आप कभी कभी हमें रिफ़ंड लेना होता है तो अपना बैंक अकाउंट को मीशो पर कैसे ऐड करना है, यूपीआई कैसे फिल करना है, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, डिटेल्स कैसे भरना है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है अगर आप मीशो से शॉपिंग करते हो। भाई मैं मीशो की एप्लीकेशन पर जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, आपको नीचे अकाउंट पर क्लिक करना है और मीशो का अकाउंट आप बना लीजिए। इसका अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको माई पेमेंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आएंगे, बैंक आएगा और फिर यूपीआईडी का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पर देखो बैंक डिटेल्स आ चुकी है, यूपीआईडी डिटेल्स आ चुकी है। अब भाई बैंक अकाउंट की जानकारी फिर करने के लिए आपको सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ पर देखो आपका फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको उस ओटीपी को पहले फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर कर दिया, सिंपल वेरीफाई में क्लिक करेंगे। वेरीफाई में जैसे क्लिक करेंगे सो हमारा इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा माई बैंक डिटेल्स, अब यहाँ पर देखो लिखा IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम, इसके बाद नीचे लिखा देखो सबमिट। सो भाई यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट को फिल करना है, यहाँ पर IFSC कोड लिखना है बैंक का, ये आपको अपनी बैंक की पासबुक पर भी मिल जाएगा देखने को सारा कुछ, ठीक है। सो हम जल्दी से यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब हमने भाई सारा कुछ फिल कर दिया जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, सिंपल नीचे लिखा देखो सबमिट पर क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक करेंगे सो हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और अकाउंट वेरीफाइड भी हो चुका है। ये हमारा अभी भाई ये तो हमारा बैंक अकाउंट ऐड हुआ है। अब यहाँ पर आपको अपने UPI ID भी ऐड करना है, ठीक है। सो आपको UPI ID पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर देखो आपका फिर से फ़ोन नंबर वेरीफाइड होगा OTP के साथ पर। भाई मैंने फिर से यहाँ पर OTP फिल कर दिया सिंपल, अब यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा भाई अपनी UPI ID एंटर कीजिए, तो भाई यहाँ पर मैं अपनी UPI ID एंटर करूँगा, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी UPI ID को आप एंटर कर सकते हैं। UPI ID यहाँ पर फिल कर दिया सिंपल, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे सो यहाँ पर देखो लिखा है यस, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर दोगे सो आपकी UPI ID भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देख पा रहे हो भाई कि हमारा बैंक अकाउंट और UPI ID दोनों ऐड हो चुके हैं मीशो पर। अब आप यहाँ से कोई भी ऑर्डर करते हो या इनकम या अर्निंग जो भी करोगे तो इसका सारा अमाउंट आपको UPI ID या फिर बैंक अकाउंट पर मिल जाएगा। सो भाई वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए और भी सुंदर वीडियो मीशो के बारे में आगे भी लाता रहूँगा। चलिए भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।